भारत लगभग 31 करोड़ आबादी वाला शहर है जो कि दुनिया के दूसरे स्थान पर आता है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि 31 करोड़ आबादी वाले शहर में सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना था? वह महिला थी या पुरुष था? तो चलिए जानते हैं सबसे पहला आधार कार्ड कब बना था। सबसे पहला आधार कार्ड 29 सितंबर 2010 को बना था। हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उपस्थिति में कांग्रेस के प्रेसिडेंट सोनिया गांधी की तरफ से दिया गया था और उस महिला का नाम था रंजना सोनवाने, जो कि भारत की सबसे पहली महिला थी जिसे आधार कार्ड प्राप्त हुआ था। वह उत्तरी महाराष्ट्र के तेम्बाली नामक गांव के रहने वाली थी। उस गांव का नाम बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। जब आधार कार्ड बनने के बाद रंजना सोनवाने से इंटरव्यू में पूछा गया, आपने आधार कार्ड क्यों बनवाया? तो उस महिला ने इंटरेस्टिंग जवाब देते हुए कहा, हमें लगा कि पहचान पत्र मिलने से शायद सरकारी नौकरी लगेगी, लेकिन बाद में पता चला कि इससे नौकरी नहीं लगती, यह सिर्फ पहचान पत्र है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।